तुम क्यों रो रही हो? किसके लिए? अबे और इसी बात के। जाओ यहाँ से। पहला कदम उठाते भी डर रही थी। कैसी थी पापा मेरे? आयश नहीं थी तो मुझे शॉपिंग के लिए क्यों लेके आए तुम? 11 बज रहे हैं। क्या मतलब सवाल जवाब न कर, जो तुमसे पूछ रहा हूँ सीधा सीधा। बिल्कुल ठीक फैसला किया है, तुम्हारी शादी इसी हफ्ते। सुना तुमने? मैं नहीं मानती ऐसी शादी। मुझे इस वक्त कोई रिस्क नहीं लेना, मुझे हमारे होने वाले बच्चे की बहुत फिक्र है। ड्रामा सीरियल बेटिया में आखिरकार पिज्जा और दानिश ने लाइक अहमद को हानिया और पारस की शादी के लिए मना ही लिया और फिर इसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। पारस भी हानिया को पाने के लिए बहुत खुश होता है लेकिन पारस की मां की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। जो उसने सोच रखा था कि शायद लाइक अहमद इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे, उसका रवैया पिज्जा के साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता। कि तुम दानिश को लेकर गई थी अपनी बहन का रिश्ता कराने के लिए, हानिया भी इस घर में आ तो जाएगी लेकिन उसे भी इज्जत व एहतराम नहीं मिलेगा जैसे कि तुम्हें नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों हानिया पिज्जा की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो बात भी होती है वो मुंह पर कर देती है, वो किसी से नहीं डरती। जो बात सच है वो सच है और झूठे को मुंह पर झूठा कहना हानिया की आदत है। यही वजह है कि आप पारस की माँ के साथ जो होगा वो देखकर मजा आएगा। तो जी दोस्तों, अब आप लोगों को क्या लगता है कि जब हानिया इस घर में आ जाएगी तो क्या जहां आ रहा का दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।